को उठता हुआ आप यहां से उनको डाउन कर सकते हैं, जो कि अगेन एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ चीज है। लेकिन चलिए एक बढ़िया थ्रो बॉल जाने की कोशिश, कोई खास फायदा नहीं हुआ। रिवाइवल की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इस चीज को रोकना पड़ेगा, बट बगल से पड़ेगी स्प्रे और स्काईलाइट्स गेमिंग भी आती दिखेगी और DRS भी तंग कर रही है। थर्ड पार्टी एंड फोर्थ पार्टी आर इनकम जो रॉक प्ले को नॉकआउट करता हुआ नजर आ जाएगा। रॉक की दिक्कत बहुत ज्यादा क्योंकि जिस तरह से कंपाउंड के अंदर फंसे हुए उनको टेक डाउन इजीली कर दिया जाएगा, लेकिन बैड इंटेंशन केवल मात्र दो खिलाड़ी बचा हुआ जो साइड बाय एंगल के ऊपर से क्लोज इन करता हुआ नजर आ सकता है, जो एसजी की भी दिक्कतें पड़ता है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए अगर बात करेंगे तो एसजी जिस तरह से आगे जा रही है उनकी दिक्कतें अभी तो कोई नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि T2 को भी उन्होंने स्पॉट कर लिया जो साइड बाय एंगल के ऊपर से थोड़ा बहुत कवर बना के बैठी हुई थी। अभी अगर हम बात करें यहाँ से स्काईलाइट्स गेमिंग की तरफ से एक बढ़िया थ्रेबल जाता हुआ दिखेगा जरूर, लेकिन कोई खास वैल्यू जो वो नहीं आती दिख रही। अगेन थ्रेबल का इस्तेमाल करते देखेंगे, शायद एक बार को कनेक्शन इस थ्रेबल के थ्रू मिल जाए, डैमेज एग्जैक्टली डैमेज दिया जाएगा, स्पॉट किया जाएगा और उसकी तरफ से कंफर्मेशन भी निकाली जाएगी। पांच या बची है बट स्काईलाइट्स गेमिंग लुक एट देम, टोटल ऑफ 12 एलिमिनेशन, टोटल ऑफ 12 फ्रैग्स और आई थिंक 13 ऑन द वे, क्योंकि एसआईडीएम को स्काली को स्पॉट तो कर लिया। अगर थ्रेबल है तो एग्जैक्टली द थ्रेबल गेम इज अगेन कमिंग इन, प्लेयर को स्पॉट कीजिए, थ्रेबल डालिए और गेम अपनी बना लीजिए, उसके को डैमेज दे दीजिए और यहां से जैसे वो आएगा उठने की कोशिश करेगा उसे आप हेलमेट कर सकते हैं। आई थिंक सर्कल के बाहर, एग्जैक्टली सर्कल के बाहर हेलमेट होंगे, शायद फिनिश नहीं देना चाहते, बट तीन टीमें बची दिख रही है यहाँ पर, नौ खिलाड़ी बचे दिख रहे हैं, बड़े आराम से डाउन कर सकता है क्योंकि आप देखिए दो प्लेयर्स बचे दिख रहे हैं रॉके, जिनको कनेक्शन आई डोंट थिंक सो ज्यादा मुश्किल होगा उनके ऊपर। एक लाड़ी बचा दिख रहा है आप तो, क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ पर नॉकआउट हो चुका है एंड जैसे ही वो पीक करेगा उसे डाउन किया जाएगा। सो अगेन आई थिंक 4v3-2 सिचुएशन, जो कि 4v3-1 हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि रिवाइवल थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल सर्कल के अंदर तो आ चुके हैं। क्या रिवाइवल देने की कोशिश की जाएगी या नहीं, क्योंकि प्लेयर्स पुश करना चाहते हैं DRS, वो कन्फर्मेशन निकालेंगे, वो बड़े आराम से कन्फर्मेशन निकालेंगे, उनको ऑलरेडी पता है कि पोजीशन कहाँ हो सकती है, एक अंदाजा है, लेकिन उस रफ अंदाजे के साथ पुश करना गलत हो सकता था, बट एक अच्छा ट्रेड आ दिखाया। नाउ टू टीम्स ओनली 4v3 सिचुएशन, लेट्स सी कौन जाता है ये विनर विनर चिकन। DRS थोड़ी सी मुद्दे कथे पत्ती देखने को मिल रही, क्योंकि उनके ऊपर एक नेड आया जहाँ पे उनके प्लेयर को टेक डाउन तो कर दिया गया। DRS के पास नंबर एडवांटेज है, बट स्टिल उनके जो प्लेयर को नॉक किया गया SG अपने हाथ में इस नंबर एडवांटेज को लेती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो छोटा सा पेड़ है क्या कवर यहाँ पे देने वाला है, दोनों पूरे ऊपर रिलेटेड हुए उनको स्पॉट करना ज्यादा दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं, और SG का अगर एक और प्लेयर को स्पॉट हो जाता तो फिर दिक्कत है SG के लिए बहुत ज्यादा पत्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन मिस्टर बोरो को स्पॉट कर लिया जाएगा, जैसे मैंने कहा था बहुत ओपन है ये खिलाड़ी, स्पॉट किया टेक डाउन किया, लेकिन अब किस तरह से अपने नाम करेंगे।